Good morning, students. Now this is your fourth lesson of EVS. I am explaining you your practice of book exercise. The story of Amrita. इसमें हमने खिचड़ी टीम के बारे में पढ़ा था. Now I am explaining the exercise. Listen here. Now objective types, that is MCQs. हमारे MCQs है. Tick the correct answer. First one is खिचड़ी village is located near Jodhpur in. कहाँ पे है? इन राजस्थान, गुजरात या असम. ये तीनों स्टेट अलग है. इट इज़ लोकेटेड इन राजस्थान. ओके. अमृता वुड गेट अप एवरी अर्ली एवरी मॉर्निंग एंड ग्रीट द. अमृता किसको ग्रीट करती थी सुबह सुबह उठ के? द ट्रीज. द ट्रीज इज एन राइट आंसर. द डैश वॉज नीडेड फॉर बिल्डिंग द किंग्स पैलेस. किंग्स पैलेस, राजा का महल के लिए क्या नीड था, मतलब क्या ज़रूरत थी? सॉइल मतलब मिट्टी, वुड या गोल्ड. मतलब पहले पुराने ज़माने में लकड़े का ही सब कुछ बनता था. सो देन किंग वॉन्टेड वुड. ओके, तो वुड के लिए वो लोग ट्रीज को काट रहे, खिचड़ी ट्रीज को. अमृता'स डॉटर एंड हंड्रेड ऑफ विलेजर्स डैश द ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम. अमृता जब बड़ी होगी, उसकी डॉटर और विलेज मतलब उनके गाँव के लोगों ने डैश द ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम. ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर रहे थे? वो हग करके रखे, मतलब पेड़ को पकड़ के ही रखा था. फिर भी वो नहीं मानी तो फिर उसको उन्होंने मार डाला था. उसकी बेटी भी मर गई थी और अमृता भी मर गई थी. बिकॉज वो लोग तो ऑर्डर दिया गया था किंग ने कि आपको लकड़ी लानी, बस लकड़ी से उनको मतलब था, चाहे कोई भी मर जाए. उन्होंने किया रिक्वेस्ट की कि छोड़ दे छोड़ दे, बट अमृता मानी नहीं तो फिर उन्होंने लास्टली उसको मार ही दिया था. सो द अमृता'स डॉटर एंड हंड्रेड ऑफ विलेजर्स हग्ड. हग्ड मतलब गले लगाना. द ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम. नेक्स्ट, द किंग अंडरस्टूड द विलेजर्स डैश फॉर ट्रीज एनिमल्स. ये लोग मर गए. फिर उसके बाद राजा को पता चला इतने सारे लोग मर गए गांव के, तो उसको फिर क्या पता चला? रेस्पेक्ट फॉर द ट्रीज एनिमल. फिर उसको पता चला कि इतने सारे लोग गांव के ट्रीज को इतनी रेस्पेक्ट करते हैं, मतलब उनको इतना मान देते हैं, मतलब ये उनके फैमिली मेम्बर की तरह वो लोग ट्रीट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो देन ओनली ही अंडरस्टूड द रेस्पेक्ट फॉर द ट्रीज एंड एनिमल्स. नाउ ट्रू ऑफ अस. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. बट हमें शॉर्ट में नहीं लिखना है, वी हैव राइट द फुल स्पेलिंग, दैट इज टी आर यू ई एंड एफ ई एल एस ई. हमेशा आप बड़े हो गए हो, सो राइट द फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रू और फॉल्स. प्लांट्स एंड एनिमल्स कैनॉट सर्वाइव विदाउट अस. प्लांट्स और एनिमल्स हमारे कैनॉट सर्वाइव विदाउट अस. हमारे सर्वाइव का मतलब जी सकते हैं वो लोग हमारे बिना. कैनॉट सर्वाइव विदाउट अस, हमारे बिना नहीं जी सकते. इज इट पॉसिबल? अब सोचो इसके बारे में. सर्वाइव का मतलब क्या है? जिंदा रहना. ओके, या फिर अपनी जिंदगी चलाना. हमारी लाइफ किस पे डिपेंडेड है? जैसे हम दूध ही पी रहे हैं, बच्चे जो दूध पी रहा है मम्मी का या फिर गाय का या भैंस का ही होता है. तो डैट ऑल्सो कम्स फ्रॉम एनिमल्स. सब्जियाँ जो भी आती है हमारी, ओके, ग्रीन वेजिटेबल्स, वो भी प्लांट से ही आ रहा है. जो भी हम दाल चावल खा रहे हैं वो भी खेतों में ही ग्रो होता है एक प्लांट के रूप में. गेहूँ चावल जो भी खा रहे हैं वो भी खेती में से आता है. तो एवरीथिंग वॉट एवर वी आर ईटिंग, एक पानी के अलावा, ओके, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम प्लांट्स. ओके, या एनिमल्स, दैट इज एनिमल्स है दूध है, दूध की प्रोडक्ट्स जो होती है, मिल्क प्रोडक्ट, दूध, दही, छाछ, चीज़, पिज़्ज़ा, जो भी हो, ओके, ऑल दिस थिंग. तो हम टोटली प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंडेड है. हमारी लाइफ उन पर डिपेंड, वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट. क्योंकि अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम नहीं रह सकते, बट वो तो रह सकते हैं. ओके, मॉनसून में देखो अभी कहीं पे भी आप पानी ना भी डालो तो भी प्लांट्स ग्रो हो ही जाते हैं. दे डोंट नीड अवर हेल्प, बट वी टोटली, वी आर अवर लाइफ, हमारी जो लाइफ है ये टोटली प्लांट्स और एनिमल्स पे ही डिपेंडेड है. सो दिस इज ऑल्सो, प्लांट्स एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट अस. हमारी लाइफ टोटली प्लांट्स और एनिमल्स पे ही डिपेंड है. तो ये लोग को यहाँ पे प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट अस, हमारे बिना नहीं सर्वाइव कर सकते. सो क्या आएगा? दैट इज फॉल्स. बट एक तरफ से देखो तो ट्रू भी बोल सकते हैं, फॉल्स भी, बट फॉल्स ज़्यादा सेट रहेगा यहाँ पे. द किंग हैज सेंट सम मैन टू कट ट्रीज फॉर वुड. किंग ने कुछ लोगों को भेजा था ट्रीज कट करने. यस,
प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट अस, हमारे बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, तो दैट इज रॉन्ग, समझ में। देन किंग्स सेंट मैन टू कट द ट्रीज, येस दैट इज ट्रू। नाउ द थर्ड वन इज द किंग्स मैन रिक्वेस्टेड अमृता टू लीव द ट्री, किंग के लोगों ने, इन लोगों ने बोला था, रिक्वेस्ट की थी कि छोड़ दे ट्रीज को, येस दे रिक्वेस्टेड, सो दैट इज ट्रू। द किंग लाफ्ड एट दोज पीपल हु गेव अप देयर लाइफ फॉर ट्री, किंग ने जब देखा कि इतने सारे लोग मर गए हैं तो उन पे देख के वो हंसा था, नो ही फेल्ट वेरी सीरियस अबाउट, उसे भी बहुत बुरा लगे, हाँ इतने सारे लोग मर गए पेड़ को बचाने के, मैं मुझे पता भी नहीं था, वरना मैं बोलता भी नहीं कि ये ट्रीज काटो, ही फेल्ट वेरी शेम ऑन हिम, उसे बहुत बुरा लगा था। सो दैट इज ऑल्सो ए फॉल्स स्टेटमेंट। देर आर रूल्स अगेंस्ट हंटिंग फॉर सम एनिमल्स, मतलब कुछ रूल्स है एनिमल्स को हंट करने, मतलब शिकार करने का, येस देर आर नाउ रूल्स, अगर आप बिना वजह एनिमल्स को मार रहे हो तो आपको भी सजा होती है और इसमें आपको जेल भी जाना पड़ता है। जैसे आपने अभी देखा होगा सलमान खान पे भी एक केस चल रहा है, उसने भी एक डियर को हंट कर लिया था, इसलिए उस पर भी केस चल रहा है। सो कोई भी इंसान हो अगर वो गलत कर रहा है तो उसको करना ही पड़ेगा। नाउ व्हाई आर ट्रीज इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, ट्रीज क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जैसे हमने प्रॉपर से देखा प्लांट्स और एनिमल्स कैन लिव विदाउट अस बट हम नहीं रह सकते, तो हमारे लिए ट्रीज क्यों इंपॉर्टेंट है, एक चीज़ देखिए, ट्रीज से ही हमें सब कुछ मिल रहा है, जैसे वेजिटेबल्स आप देख सकते हो, तुलसी का पौधा है, ओके फ्रॉम दैट मैनी मेडिसिन भी बन रही है या नहीं, पुदीना है, ये सब बहुत सारी प्लांट्स में से भी मेडिसिन बन रही है। सो ट्रीज गिव्स अस वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, उसमें से मेडिसिन भी बनती है, वी गेट वुड फॉर फर्नीचर्स, ओके बहुत सारा एग्जांपल्स है हमारे लिए, जैसे उसकी डालियाँ वुड है वो फर्नीचर्स के लिए काम आती है, उससे हम दो दरवाजे, सोफ़ा, टेबल, चेयर्स वगैरह बनाते हैं, हम डेकोरेट आवर हाउस, ये सब। तो इस तरह से प्लांट्स, ट्रीज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ है, ट्रीज से हमें क्या मिलता है, जैसे हम बोलते हैं ग्रो मोर ट्रीज, क्यों बोला जाता है, बिकॉज वी गेट फ्रेश ऑक्सीजन, ट्रीज बाहर ऑक्सीजन देते हैं, दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, और हम लोग क्या करते हैं, वी टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, हमारा जो प्रोसेस है उसका उल्टा प्रोसेस प्लांट्स का है, तो वो लोग जब ऑक्सीजन बाहर निकालते दैट वी गेट, वो हमें मिल जाता है, इसलिए फॉर हमें जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, पता है ना आपने पिक्चर्स में देखा होगा ऑक्सीजन, एयर हवा हमें चाहिए, हवा के अंदर क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन गैस होना चाहिए, ओके सो दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट, तो वो मेन चीज़ है। फिर सभी खाने की चीज़ें, मतलब सीरियल, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मेडिसिन, वुड, एवरीथिंग वी गेट फ्रॉम ट्रीज। और एक चीज़ है, हमें उसमें से छांव भी मिलती है, मतलब वी गेट शेड। और प्लांट्स पे आपने देखा बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं वो छोटे छोटे कीड़े हैं, इंसेक्ट्स हैं और बर्ड्स हैं, उनके नेस्ट भी बड़े बड़े ट्रीज को लगते हैं, सो दे आर द होम्स ऑफ मैनी बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स ऑल्सो, हमारे एक का नहीं बहुत सारा दूसरों को भी वो प्लांट्स बहुत मदद रूप होते हैं, सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। देन नेक्स्ट इज व्हाट डिड अमृता डू विद द ट्रीज एवरी मॉर्निंग, हर रोज़ अमृता क्या करती थी ट्रीज के साथ, शी इज़ टू ग्रो एंड ग्रीट द ट्रीज एंड से यू आर माई फ्रेंड एंड यू गिव मी योर स्ट्रेंथ, यू मेक मी स्ट्रांग एज यू, मतलब ट्रीज तो बड़े बड़े होते हैं, ओके उनका ट्रंक बहुत मोटा होता है, तो बोल रहे आप मेरे फ्रेंड हो और आप मुझे भी आपकी तरह स्ट्रांग और ब्रेव बनाओ, बहादुर बनाओ। शी यूज़ टू ग्रीट द ट्रीज, ग्रीट मतलब उसको हग करके, वो अपने फ्रेंड मानती थी ना ट्रीज को, सो शी यूज़ टू ग्रीट द ट्रीज एवरी मॉर्निंग एंड यूज़ टू से दैट यू आर माई फ्रेंड्स एंड मेक स्ट्रांग लाइक यू। व्हाट डिड अमृता विस्पर टू द ट्रीज, विस्पर का मतलब वो धीरे से, जैसे हम लोग कभी अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं धीरे धीरे, किसी कभी किसी कान में सीक्रेटली बात करें, तो वैसे अमृता क्या बात करती थी, शी यूज टू पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री ट्रंक एंड विस्पर टू देम, क्या विस्पर करती थी, फ्रेंड्स यू आर स्ट्रांग एंड ब्यूटिफुल, आप बहुत ही सुंदर और बहुत स्ट्रांग हो, एंड टेक थैंक यू ट्रीज एंड गिव योर स्ट्रेंथ ऑल्सो टू मी, मतलब आपको उसके लिए थैंक यू, आप हमें हेल्प कर रहे हो इसलिए, और आप मुझे भी आपकी तरह इतनी ताकतवर स्ट्रेंथ दो, मतलब कि ताकत दो कि मैं भी इतनी स्ट्रांग बनूँ, देन
वाई डिड अमृता सैक्रीफाइस हर लाइफ. सैक्रीफाइस का मतलब क्या होता है? बलिदान देना. ओके उसने अपनी जान की कुर्बानी क्यों दी? उसको उसने जान को मतलब पेट्रीज को प्रोटेक्ट करते करते बचाते बचाते उसने अपनी जान दे दी ना. वाई क्यों दी उसने? बिकॉज शी फेल्ट दैट शी टुक ग्रेट उसके तो वो फ्रेंड्स थे. ओके और वो हर रोज़ अपने ट्रीज को बहुत केयर करती थी एंड वो अपने फ्रेंड्स मानती थी एंड दे हैड अ वेरी ग्रेट रिस्पेक्ट अगोन टूवर्ड्स द ट्रीज. इसलिए उसने अपनी जान दे दी. मतलब अपनी फ्रेंड को वो कैसे गुम कर सकता है? कोई अपनी फ्रेंड को थोड़ी ना हम होते हुए देखता कोई काट रहा है तो शी कांट शी वॉज नॉट एबल टू सी. तो उसने अपनी जान का बलिदान ही दे दिया उसको बचाने के लिए. नेक्स्ट हाउ डिड द किंग रिएक्ट टू द डेथ ऑफ द पीपल? किंग रिएक्ट, रिएक्ट का मतलब उसका प्रभाव, मतलब उसने कैसे दूसरों पे उसे कैसे लगा. मतलब रिएक्ट टू द डेथ ऑफ द पीपल. डेथ मतलब जो लोग मर गए. कौन मरे थे? जैसे किंग के लोग गए थे ना लकड़ियाँ लेने के लिए महल बांधने के लिए. तो वो महल बांधने ही बांधते थे वो अमृता और उसकी डॉटर्स सब लोग पेड़ को नहीं छोड़ रहे थे. उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की पर फिर भी नहीं छोड़ा. तो उन्होंने क्या किया? उसी को मार दिया लकड़ियों को काटने के लिए. तो ये सब जब किंग को पता चला तो उसको कैसे लगा? ही फेल वेरी स्ट्रांग. उसे बहुत ही ऐसे लगा था हाँ इतने सारे लोग मर गए. उसे बहुत ही बुरा लगा. ही रिएक्टेड वेरी स्ट्रांग टू द डेथ ऑफ द पीपल. और फिर उसके बाद उसे क्या कहा? ही ऑर्डर्ड देन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स नो ट्रीज वुड बी हार्म एंड नो एनिमल्स एंड ट्रीज वुड बी हार्म देन ऑन इन दिस एरिया. मतलब इस एरिया में आज के बाद कोई ना ट्रीज और एनिमल्स किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाए और कोई किसी को छुएगा भी नहीं ना ही किसी को कोई मारेगा. ये रियल स्टोरी है. डू यू थिंक वी कैन लिव हैप्पीली इफ देर विल बी नो ट्रीज इन आवर सराउंडिंग्स? अब सोचो हम ट्रीज के बिना खुशी से रह सकते हैं? हमारे आजू बाजू में अगर ट्रीज ना हो सोचो जस्ट गेस अकॉन आप रह सकते हो? नो. कैसे लगेगा? जैसे जो ट्रीज डेजर्ट में नहीं है राजस्थान को देख लो जहाँ पे कोई पेड़ पौधे नहीं ग्रो हो रहे है ना कैसे लग रहा है? बंजर जमीन लग रही है ना. तो ना कोई हवा मिलेगी फ्रेश ना ही कोई छांव देखने को मिलेगा ना कोई बर्ड्स होंगे ना कोई इंसेक्ट्स होंगे ना कोई फल फूल पौधे सब्जियाँ ये फसल भी नहीं ग्रो होगी. तो हमें कुछ मिलेगा ही नहीं तो हम कैसे जी पाएंगे? इट इज़ नॉट पॉसिबल. वी कांट लिव हैप्पीली इफ देर आर नो ट्रीज सराउंडिंग अस. द नेक्स्ट इज एक्टिविटी. हियर इज अवर स्टोरी ऑफ अमृता. इज अ ट्रू स्टोरी दैट हैपेंड इन राजस्थान. लोकेट द स्टेट ऑफ राजस्थान इन द पॉलिटिकल मैप. ये हमारा इंडिया का मैप है. पॉलिटिकल मतलब स्टेट के साथ ये सभी स्टेट इसके अंदर आ गए. आपको पता होगा हमारा गुजरात स्टेट कहाँ पे? ये गुजरात के बाजू में ही है राजस्थान. तो दिस इज़ द राजस्थान स्टेट. इट इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन अवर ऑफ अवर कंट्री. नाउ नेक्स्ट व्हाट काइंड ऑफ डेजर्ट इज राजस्थान? अब डेजर्ट भी कोई काइंड का होता है. यस हॉट एंड कोल्ड. ओके राजस्थान में धूप बहुत ज़्यादा होती है सो इट इज़ कॉल्ड सॉरी हॉट डेजर्ट. जैसे हमने वर्ल्ड के अंदर देखा होगा एंटार्क्टिका रीजन. आपने देखा होगा टाइटैनिक पिक्चर उसके अंदर बड़े बड़े आइस के माउंटेन्स होते हैं आइसबर्ग्स जहाँ पे धूप नहीं जाती. वो टोटली एरिया पूरे साल बर्फ से ही घिरा हुआ होता है बिकॉज नो सनलाइट रीचेस टू देयर. तो दैट इज़ कॉल्ड कोल्ड डेजर्ट. तो इसलिए हमारा जो राजस्थान का डेजर्ट है दैट इज़ कॉल्ड हॉट डेजर्ट. कोल्ड मतलब बर्फी बर्फ से भरा हुआ और ये है मिट्टी रण से भरा मतलब गर्मियों से भरा हुआ. सो दैट्स वाई व्हाट नेचुरल कैलामिटी डज मोस्ट कॉमनली अफेक्ट द स्टेट ऑफ राजस्थान. राजस्थान में सबसे ज़्यादा नेचुरल कैलामिटी मतलब कुदरती जो होता है ना नुकसान जैसे अभी बारिश आती है तो क्या होता है पानी आ जाता है ना दैट इज़ कॉल्ड फ्लड. फिर सुनामी मतलब बड़े बड़े ओशंस होते हैं वहाँ अंदर घूमर जैसा था सर्कल की तरह देखो ना पानी पूरा खिड़की पूरी एरिया में आ जाता है दैट इज़ कॉल्ड सुनामी वेव्स. तो ड्राउट मतलब सूखा क्योंकि राजस्थान तो ऑलरेडी बहुत हॉट एरिया होता है हॉट एरिया है क्योंकि धूप ज़्यादा पड़ती है. तो जब बारिश नहीं होती है तो क्या होता है ज़मीन के नीचे फट जाती है दैट इज़ कॉल्ड ड्रॉट.
देखो ये तीनों सीजन से मैं दिखाती हूँ। सुनामी का मतलब बाढ़, मतलब बड़े बड़े वेव्स आना पानी के साथ, वो बड़े बड़े ओशंस के बाजू में ही होते हैं। जैसे फ्लड मतलब पानी आ जाना, पूर जो बोलते हैं, जब ज़्यादा बारिश होती पानी आ जाता ना अपने सिटियों में बाहर खेतों में, दैट इज़ कॉल्ड फ्लड। ड्रॉट मतलब सूखा, जब बारिश नहीं आती है ओके, तो उस टाइम पे जब ज़मीन है ना नीचे की जो हम देखते हैं प्लेन है, वो प्लेन ही रहती, ज़मीन भी सूख जाती है तो वहाँ पे क्रैक्स हो जाती, दैट इज़ कॉल्ड ड्रॉट। आप थोड़ा बहुत अगर आपको देखना है तो यू कैन यूज़ योर मैप, सॉरी आप मोबाइल यूज़ करके ड्रॉट करके गूगल में सर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा ड्रॉट कैसा। सूखी ज़मीन जो होती है उसके अंदर क्रैक्स लग जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ड्रॉट। सो ये नेचुरल कैलेमिटी अफेक्ट करती है राजस्थान में, जब पानी वो ऑलरेडी सूखा है, ड्राई है, हॉट एरिया है, पानी ना आए तो फिर कैसा रहेगा, इट इज़ वो सूखा हो जाता है, सूखा, दैट इज़ कॉल्ड ड्रॉट। स्मॉल एनिमल्स मोस्ट कॉमनली फाउंड इन डेजर्ट, छोटे एनिमल्स कौन से हैं जो कॉमनली आपको देखने को मिलते हैं, स्नेक एंड माउस, एलिफेंट एंड ज़ेब्रा, लायन एंड डियर। डेजर्ट में तो देखो एलिफेंट बेचारे रह भी नहीं सकते ओके, क्योंकि उनको पानी चाहिए ना, मड। लायन एंड डियर वो तो जंगल में रहते हैं, स्नेक एंड माउस चूहे और सांप, क्योंकि वो बिल में रहते हैं ना इसलिए वो आराम से बरोज में रहते हैं, इसलिए वो लोग आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सो दिस इज़ योर एक्सरसाइज ऑफ लेसन नंबर 4। थैंक यू।